नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पूछे अपना सवाल मेरे यानी कि आपकी दोस्त साबिता ठाकुर के साथ। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी। तो देर किस बात की है, फटाफट अपना फोन उठाइए और पूछिए अपना सवाल। दोस्तों, अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अपने गेस्ट का वेलकम करते हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो दोस्तों, इसी के साथ अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और कॉल लगाते हैं अपने पहले कॉलर को, दारा सिंह जी को, और जानते हैं इनसे कि क्या है इनका सवाल। हेलो। हेलो, नमस्कार सर, दारा सिंह जी से बात हो रही है? जी जी। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं साबिता बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। जी मैम। जी सर, आप कुछ जानना चाहते थे, आपका कुछ सवाल आया था? हाँ जी मैडम, ये अभी गर्मी में ना, मार्च अप्रैल में, पूछिए अपना सवाल। ये अभी मार्च अप्रैल में जो गर्मी में मूंग लगते हैं ना, ये लगाना चाहता हूँ मैं 2-3 एकड़ में। ठीक है, जायद वाली फसल आप में मूंग लगाना चाहते हैं? हाँ जी, अभी सरसों खड़ी है, सरसों की कटाई करते हैं उसमें मूंग लगाएंगे। हाँ बिल्कुल सही है। तो सर, उसमें कौन सा बीज उगाए और कौन सी वरायटी में बीज कहाँ मिलेगा? देखिए, पहले तो ये है कि कौन सी वरायटी आप उगाए। जी, तो इसके उगाने के लिए आपका जो है पंथ मूंग एक, पंथ मूंग दो, पंख मूंग तीन और पंथ मूंग चार। अच्छा, ये पंतनगर यूनिवर्सिटी की निकाली हुई वैरायटी है। जी जी। उसके बाद नरेंद्र यूनिवर्सिटी ने भी आपकी जो वैरायटी निकाली है उसमें नरेंद्र मूंग नंबर एक और नरेंद्र मूंग नंबर दो। जी जी। और एक वैरायटी और भी है जो टाइप 44 है। अच्छा जी, अच्छा, अच्छा। इन वैरायटीज को आप इस्तेमाल करें। सर, इसका बीज कहाँ मिलेगा? हाँ, अब देखिए, जहाँ तक बीज की बात है, देखिए, या तो आप गवर्नमेंट के सीड स्टोर से ये बीज ले सकते हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की जैसे हमारी इशार पड़ती है, जो यूनिवर्सिटी वहाँ मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल, 100% मिल जाएगा। या गवर्नमेंट से लाइसेंस ली हुई जो दुकानें हैं रजिस्टर्ड, जी जी, उन दुकानों से भी अगर आप बीज लेंगे तो मिल जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि हम सील्ड पैकेट लें, खुला हुआ पैकेट ना लें। अच्छा जी। और उस पर ये देख लें कि मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, बहुत अच्छा, दिन का रखा हुआ तो नहीं है। बस सर, ये कितने दिन में पक्के तैयार हो जाती है ये फसल जो आपने बताई वैरायटी? हाँ देखिए, ये जो वैरायटी मैंने आपको बताई है, ये वैरायटी आपका 12 से लेकर के 15 क्विंटल पर हेक्टर उपज देती है और जी, जी। आपका 3 महीने 3.5 महीने में पक्के तैयार हो जाती है। जी 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 डॉक्टर साहब जी, आप कुछ और जानना चाहते हैं सर? बस धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कॉल लगाते हैं निखिल जी को, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, और जानते हैं इनसे कि क्या है इनका सवाल। हेलो। हेलो, निखिल जी बात कर रहे हैं? हाँ निखिल जी। जी, मैं साबिता बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। सर, आपने सवाल पूछा था, आप कुछ जानना चाहते हैं? जो आती नहीं थी, वो बटन नहीं, चाइनीज बटन जी, इसके बारे में जानकारी हुई थी, उसका खोलना था मेरे को पोल्ट्री फार्म में। बटेर पालन के बारे में जानना चाहते हैं? बटेर पालन के बारे में जानकारी लेना था। देखिए, ऐसा है कि आप जो बटेर पालने की बात करते हैं, बटेर और मुर्गी में ज्यादा अंतर नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से बाड़ा बटेर का भी बनाया जाता है, उसी तरीके से मुर्गी का बनाया जाता है। बटेर की खास बात यह है कि बटेर में बीमारी कम लगती है, मुर्गी में बीमारी ज्यादा लगती है। बटेर 45 दिन के बाद अपना अंडा देना शुरू कर देती है और 1 साल में 300 अंडे देती है। तो ये इसके जो अंडे होते हैं, इनके अंडों से बच्चा निकालने के लिए हम करते हैं क्या कि इनक्यूबेटर का इस्तेमाल करते हैं, और इनक्यूबेटर में हम 99.5 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर पर हम इसको 14 दिन तक रखते हैं और 14 दिन में उसको घुमाते फिराते रहते हैं। 14 दिन के बाद फिर हम 15वें दिन जो है उसको हैजिंग मशीन में रखते हैं, और वहाँ जब हैजिंग मशीन में इसको रखते हैं तो 98.5 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर रख देते हैं, और 18वें दिन से इसके जो है बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। बच्चे इसके बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए जो पानी के लिए जो बर्तन वर्तन रखे जाते हैं उसमें कंकड़ डाल के रखें, अन्यथा अगर ये पानी में गिर जाएगा तो ये मर जाएगा। हाँ देखिए, इसको आपको प्राप्त करने के लिए महाराष्ट्र में आप
एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से संपर्क करें और वहां से आपको ये मिलेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कॉल लगाते हैं जयेश भाई को जो कि गुजरात के रहने वाले हैं और जानते हैं इनसे कि क्या है इनका सवाल। जी नमस्कार सर, मैं साबिता बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। आपके सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अवधेश चंद शुक्ला जी। आप अपना सवाल पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं? मेरा सवाल ये है कि मैं प्याज की खेती करता हूँ जी, और उसमें वो फूक से जो जो मूर्ख का जो रोग होता है जो जिसे फूक कहते हैं, कौन सी फूक आती है और उसके लक्षण क्या क्या होते हैं? देखिए प्याज में आपके जो बीमारी लगी हुई है तो उसमें क्या जड़ गल रही है या पत्ती खराब हो रही है? पत्तियों पे सफेद रंग के दाग पड़ रहे हैं। हाँ देखिए पत्ती जो है ऊपर से सूखना शुरू करती है और उसके बाद फिर पीली पड़ जाती है। कि आप एक दवा बता रहा हूँ मैं आपको, कापर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल करके और उसका छिड़काव करिए। कितने कितने दिन में करें सर? देखिए आप एक छिड़काव कर देने के बाद अगर बाद में आपको समझ में आता है कि कुछ दवा की और जरूरत है तो 15वें दिन आप फिर दोबारा छिड़काव करेंगे, बस उसके बाद कोई छिड़काव नहीं करेंगे। ओके ओके जी, एक बार आपको अपने पत्तों पर इस दवा का छिड़काव करना है, उसके बाद अगर वापस से एक निशान पड़ते हैं या फिर पत्ती खराब होती है तो आप दोबारा से उस पर छिड़काव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जयेश जी आपका कॉल करने के लिए और हमसे सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पूछिए अपना सवाल। छोटा सा ब्रेक। कब बनाए, किस महीने में? देखिए पपीते की नर्सरी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पूछे अपना सवाल में। दोस्तों इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमसे सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं। अगर आपका भी है कोई सवाल तो फटाफट अपना फ़ोन उठाइए और पूछिए अपना सवाल। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए भी। दोस्तों अपने अगले कॉलर को कॉल लगाते हैं जो कि बस्ती यूपी के रहने वाले हैं और जानते हैं इनसे क्या है इनका सवाल। हेलो हेलो, पंकज पाल जी बात कर रहे हैं। नमस्कार सर, मैं साबिता बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। जी बताइए। जी पंकज जी, आप कुछ सवाल पूछना चाहते थे? हमारे विशेषज्ञ फिलहाल कार्यक्रम में मौजूद है, आप पूछ सकते हैं उनसे अपना सवाल। पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, हमको पता करना था कि पपीते की नर्सरी कब लगाए, किस महीने में? देखिए पपीते की नर्सरी जी आप बसंत ऋतु में भी डाल सकते हैं। ये मौसम है, इस समय आप इस मौसम में आप तुरंत डाल दीजिए, इस समय बहुत सही मौसम है। और उधर फिर आप बरसात में भी डाल सकते हैं जी। अच्छा, अब इसमें करना क्या है आपको कि जो नर्सरी आप पपीते की डालने जा रहे हैं जी, उसमें आप जो क्यारी तैयार करेंगे जी, उसकी चौड़ाई तो 1 मीटर होनी चाहिए, लंबाई आप आवश्यकता अनुसार जितना भी आप बीज बोना चाहें उतना बो सकते हैं। 5 सेंटीमीटर कम से कम सतह से ऊंची होनी चाहिए और उसमें अच्छी तरीके से सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद मिलाकर के मिट्टी को खूब भुरभुरा कर लेना चाहिए और नमी होनी चाहिए जी। उसके बाद उसमें आप जो है पपीता का बीज आप उसको बो देंगे जी। बोने के बाद यदि आप इस समय उसको जो है बोया है तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी तेज पानी पहली बार में ना डालें, फुव्वारे से पानी डालें ताकि बीज जो है बह करके एक जगह से दूसरी जगह जाके इकट्ठा ना हो जाए, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का नमी फुब्बारे की तरह दें। इसके बाद ये जमाएगा तो जमने के बाद जब ये जो है आपका कम से कम 1-2 फीट का हो जाए तब ये आपका लगाने के लिए तैयार हो जाएगा रोपाई के लिए जी। इसके मतलब बीज कहाँ मिलेगा? हमने पूछा से बीज मंगाया था लेकिन वो तो खराब हो गया। देखिए बीज कहाँ से मिलेंगे, कौन सी बीज लेने की, कौन सी वैरायटी? देखिए हाँ, देखिए पूजा मैजेस्टी जी और एक आता है डफार्क जी और तीसरा एक आता है पूसा नन्ना जो बहुत ही छोटे पौधे पर ही फलाना शुरू हो जाता है। ये आपको IARI भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली पूसा
के बीज हैं ये, और अगर आप डायरेक्ट पूसा से अगर इसको लेंगे तो इसमें कोई भी आपकी संदेह नहीं रहेगा। और अगर किसी दूसरी दुकान से लेते हैं तो पूसा का उसमें मार्क होना चाहिए और आपका सील्ड होना चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग डेट उस पर जरूर होनी चाहिए। देसी प्रजातियां मुर्गी की ये कहाँ मिलेंगी? ये हितकारी और जो आपकी उपकारी है ये IVRI की निकाली हुई है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, IZ नगर बरेली, वहां से मिलेंगी आपको। जी पंकज पाल जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते मैम। तो दोस्तों इसी के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कॉल लगाते हैं अपने अगले कॉलर को, राजीव रंजन जी को, जो कि MP के रहने वाले हैं, और जानते हैं इनसे कि क्या है इनका सवाल। हेलो, हाँ बात कर रहा हूँ। जी नमस्कार सर, मैं साबिता बात कर रही हूँ ग्रीन TV से। हाँ जी मैडम बोलिए। जी राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू मैडम। जी आप कुछ सवाल पूछना चाहते थे? पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम, मेरा खेत है काली मिट्टी का है, उसमें लगभग थोड़ा स्लोप है और मतलब मिट्टी तो बहुत अच्छी है और खेत में बोरिंग भी है, तो मैं उसमें एपीकल्चर साथ में फूलों की खेती करना चाहता हूँ। देखिए फूलों की खेती जो आप करना चाहते हैं, जी सर, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ हाँ चार फूल हमारे जो है वो बहुत ही ज्यादा मार्केट में डिमांड होती है उनकी। कौन कौन? पहला है गेंदा, गेंदा, दूसरा है गुलाब, तीसरा है गुलदाउदी और चौथा है ग्लाइडुलस। ये ज्यादातर बुके आपने देखा होंगे, बुके में यही जो है ज्यादातर फूल डिमांड होती है इनकी। अच्छा अच्छा हाँ हाँ। तो इनका और इनकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। ग्लाइडुलस को तो अगर आप काट करके तुरंत जैसे काटते जाएं और काटने के बाद पानी में डाल दें और पानी में उसका तना पड़ा रहेगा तो एक महीने तक ये बराबर जो है खिलते रहते हैं। अच्छा अच्छा हाँ, तो इसलिए इसकी डिमांड जो है बहुत ज्यादा होती है, दुकान पे ले जाके रख भी लेते हैं तो वो बराबर खिलता रहता है। अच्छा, लेकिन ये है कि अगर खेती करने से पहले इस बात को जरूर ध्यान दें कि आपके क्षेत्र में जी फूलों की डिमांड है, अगर डिमांड है तो आप फूलों की खेती करें। हाँ सर, क्योंकि मैं भोपाल में रहता हूँ तो यहाँ पे तो राजधानी है तो डिमांड तो रहती है जनरली। तो ठीक है, तो आप एक फूल और मैं आपको साथ में इसी में मैं सम्मिलित कर रहा हूँ, झरवेरा। झरवेरा? झरवेरा हाँ, ये पांच फूलों की खेती आप करिए। सर जैसे फूलों की खेती के साथ साथ अगर मैं मधुमक्खी पालन करना चाहूँ तो वो तो अच्छा रहेगा, उनको नेक्टर भी मिलेगा उससे। बहुत सही बात है, आप साइड आपका जो है बिजनेस हो जाएगा, साइड बिजनेस। तो उसमें ये है कि आप उनके केजेस ले आइए और जो आपने जहाँ ये खेती कर रहे हैं उसमें आप रखिए। अच्छा, तो सर इसमें सॉइल का जैसे काली मिट्टी है तो उसमें पैदावार तो अच्छी होगी ना? देखिए काली मिट्टी तो वैसे ही बहुत उपजाऊ होती है, काली मिट्टी जो है वो बहुत उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। हाँ, और क्या क्या खेत में बोरिंग भी है, 3.5 इंच पानी है बोरिंग में जी, तो ये सर ये मतलब मधुमक्खी पालन और ये एक साथ सही तो रहता है ना ये? हाँ बिल्कुल सही रहेगा, आप फूलों के साथ मधुमक्खी का पालन भी कर सकते हैं। जी राजीव जी, आप कुछ और जानना चाहते हैं? अच्छा सर, इसमें कुछ मतलब फूलों खेती के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइम मतलब साल भर कर सकते हैं इसको? देखिए ऐसा है, जैसे गुलाब है हमारा जी, ये परमानेंट हमारा जो है साल भर हमारा फूल चलता है इसका। अच्छा, ग्लाइडुलस जो है वो नवंबर में लगा दिया जाता है, नवंबर में हाँ, और मार्च तक का ये चलता है। अच्छा मार्च तक चलता है। हाँ, इसी तरीके से अक्टूबर में हम झरवेरा लगा देते हैं, अक्टूबर में ना? हाँ, और ये अप्रैल तक चलता है। अच्छा अप्रैल तक चलता हाँ, है। इसी तरीके से गेंदा, गेंदा देखिए गेंदा को हम बरसात में भी लगाते हैं, जुलाई में भी लगाते हैं हाँ, और उसके बाद गेंदा को हम आगे अक्टूबर में भी लगाते हैं, गेंदा को कई बार लगाते हैं। अच्छा, गेंदा को कई बार लगा सकते हैं जी। और सर ये गुलदावरी, गुलदाउदी हाँ, गुलदाउदी ये भी विंटर फ्लावर है, इसको भी हम अक्टूबर में लगाते हैं और ये मार्च अप्रैल तक चलता है। देखिए सबसे ज्यादा फूल जो होते हैं वो विंटर्स में ही होते हैं। अच्छा अच्छा जी राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और सवाल पूछने के लिए। जी थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों इसी के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कॉल लगाते हैं अपने अगले कॉलर को, जिनका नाम है मोहम्मद शफी, और जानते हैं उनसे क्या है उनका सवाल। हेलो, मोहम्मद शफी जी बात कर रहे हैं? जी कर रहा हूँ।
जी नमस्कार सर, मैं साबिता बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। मैडम फरमाइए जी, आप कुछ जानना चाहते थे? हाँ जी मैडम, वो मूंगफली के बारे में जानना चाहते थे, जम्मू में कब लगेगी और कैसे लगेगी। जी आपका सवाल का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है अवधेश शुक्ला जी, आपका जवाब देंगे वो, पूछिए अपना सवाल। सर मेरा सवाल ये है, मैं जम्मू में रहता हूँ जी, यहाँ पर हमारे मूंगफली उग सकती है क्या जम्मू में? इसमें बर्फ पड़ती है आपके इस एरिया? ओ नो 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 सर, बहुत गर्म एरिया है। अच्छा तो देखिए आपका जुलाई जून जुलाई में इसको हम बोएंगे। अच्छा जी। अच्छा इसके लिए जो वैरायटीज हैं वो है चंद्रा, चित्रा, कौशल और अंबर जी, जो गवर्नमेंट का जो एग्रीकल्चर के सीड स्टोर्स हैं। अच्छा उनसे आप ये बड़े आराम से आपको ये वैरायटीज मिल जाएंगी। अच्छा अच्छा, अच्छा आपका जो है ये 130 दिन से 135 दिन में ये पक कर के तैयार हो जाती है जी। और इसकी उपज भी जो है 25 से लेकर 30 क्विंटल पर हेक्टर तक हो जाती है। सर इसका बीज जो है वो एक हेक्टर में 95 किलो से लेकर के और एक क्विंटल यानी 100 किलो तक लगता है। जी 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 जी। इसके लिए खेत की तैयारी करते समय 250 क्विंटल आपका गोबर की सड़ी हुई खाद जी, और 20 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फेट और 45 किलो पोटास। फास्फेट देना बहुत जरूरी होता है इसके लिए जी, ताकि मूंगफली का जो है आपका दाना बड़ा हो और मूंगफली का साइज बड़ा हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों फिलहाल हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पूछे अपना सवाल, छोटा सा ब्रेक। आपने कुछ सवाल पूछा था जी, कैप्सिकम जो लगाई हुई है खेत में जी, उसमें फंगस आ गई है, जो तने पर आपके फंगस आ रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं पूछे अपना सवाल। दोस्तों इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल। अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कॉल लगाते हैं अपने अगले कॉलर को, जिनका नाम है गुरमीत, ये फिरोजपुर पंजाब के रहने वाले हैं। आइए जानते हैं इनका क्या है सवाल। हेलो हेलो, गुरमीत जी से बात हो रही है? हाँ जी हाँ जी, मैडम गुरमीत बोल रहा हूँ जी, मैं ग्रीन टीवी से साबिता बात कर रही हूँ। आपने कुछ सवाल पूछा था? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैडम जी, कैप्सिकम जो लगाई हुई है खेत में जी, उसमें फंगस आ गई है नीचे उसके तने में। फंगस आ गया जी, उसका निवारण करना चाहते हैं आप? हाँ जी, उसके बारे में जो तने पर आपके फंगस आ रही है, तो क्या उसमें सफेद सफेद पाउडर सा दिखाई दे रहा है? हाँ जी जी। हाँ तो देखिए ऐसा है कि इसके लिए आपको डाइथेनियम 45 एक दवा आती है। हाँ जी। उसका आपका 3 ml 3 ml 1 liter पानी हाँ में घोल करके हाँ जी और उसका छिड़काव करिए, तो उससे आपको फायदा होगा। छिड़काव कितने कितने दिन से बार करिए? देखिए आप एक बार करने के बाद अगर दोबारा आपको ये समझ में आता है कि बीमारी के अभी सिम्टम्स बाकी हैं, ठीक है जी, तो 15 दिन के बाद फिर आप जो है दोबारा फिर से एक छिड़काव कर दीजिए बस। ठीक है, थैंक यू जी। गुरमीत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो सर हमारे अगले कॉलर है यूएई से, मोहम्मद अख्तर जी, ये जानना चाहते हैं कि शिमला मिर्च और शकरकंद की खेती यूपी में कैसे कर सकते हैं। देखिए शिमला मिर्च जो है यूपी में साल में 2 बार हो सकती है जी, एक खरीफ की फसल जो हमारा जुलाई अगस्त होता है, और दूसरा है जायद की फसल जो फरवरी मार्च में होती है। अब इसको करने के लिए सबसे पहले ये है कि जो हम बीज का सिलेक्शन करते हैं उसकी पहले नर्सरी डालते हैं, और नर्सरी डालते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम भूमि उपचार भी कर लें और बीज उपचार भी कर लें, ताकि जो फफूंदी से लगने वाली फफूंदी जनित रोग हैं वो ना हो। तो हम क्या करते हैं कि जो खेत की तैयारी करते हैं उसमें जो हम नर्सरी के लिए सीड बेड तैयार करते हैं वो उसकी चौड़ाई रखते हैं 1 meter, लंबाई आवश्यकता अनुसार, और सतह से 5 cm ऊंची, ताकि उसमें पानी ना भरने पाए। अब उसमें अच्छी तरीके से गोबर की खाद हमने जो सड़ी हुई हो उसको डाल दिया। उसको डालते समय इस बात का ध्यान रखें कि हम ट्राइकोडर्मा को गोबर की खाद में मिला करके और भूमि को उपचारित कर लें।
ताकि उसमें जो भूमि में जो भी अगर उसमें फफूंदी है नुकसानदायक वो समाप्त हो जाए। और इधर हम जो बीज बोने जा रहे हैं उस बीज को भी हम थीरम कैप्टान बावस्टीन से हम उपचारित कर लें। अब हमने ये दोनों प्रिकॉशंस ले लिए तो उसके बाद हम नर्सरी तैयार करते हैं और जब ये नर्सरी करीब करीब 30 दिन की हो जाती है तब इसकी हम फिर खेत में रोपाई कर देते हैं। इसी तरीके से शकरकंद का भी है कि शकरकंद का जो हम लगाते हैं, शकरकंद को लगाने के बाद जब शकरकंद खोदते हैं तो इसकी बेल को बहुत सुरक्षित ढंग से फिर से लगा देते हैं क्योंकि इसी बेल से हम शकरकंद का फिर उपज लेते रहते हैं, फिर उसी से तैयार करते हैं। तो शकरकंद का भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसकी बेल को कभी नष्ट नहीं होने देना चाहिए, तो बरसात में इसको अच्छी तरीके से लगा देते हैं। और लगाने के बाद चूंकि ये कंद वाली फसल है तो ऐसी दशा में इसमें बहुत आवश्यक है कि मृदा का उर्वरा स्तर बहुत ज्यादा होना चाहिए और खासकर फास्फेट इसमें ज्यादा डालना चाहिए। अगर हमारा फास्फेट हम अगर पर्याप्त मात्रा में डालेंगे तो हमारा कंद जो है यानी जो शकरकंद है क्योंकि ये कंद वाली फसल है तो वो हमारा अच्छा होगा, जितना ही बड़ा कंद होगा उतनी हमें उपज मिलेगी, अधिक मिलेगी। जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और सभी कॉलर्स को आपने उपयुक्त जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद जी। तो दोस्तों फिलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, अगर आपका भी है कोई सवाल तो फटाफट अपना फ़ोन उठाइए और अपना सवाल पूछिए। आप हमसे जुड़ सकते हैं ईमेल, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए भी। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार।